एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी डायबिटिक आदि गुणों से युक्त एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ और पौष्टिक तत्वों का भंडार माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज आयुर्वेद हेल्थ यूपी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं जिसे सहजन, सहजन या मुनगा, शोभाजन, ड्रमस्टिक प्लांट, मोरिंगा, बेन ऑयल ट्री आदि नामों से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा एवं कुल नाम या फैमिली नेम मोरिंगेसी है। दोस्तों, जब मैंने पहली बार सहजन के बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सहजन के पौधे में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों, आप सभी को भी विश्वास नहीं होगा यदि पहली बार सहजन के बारे में यह जानकारी सुन रहे हैं कि सहजन लगभग 91 पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसमें 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और 36 प्रकार के इन्फ्लामेटरी और शरीर के लिए 18 आवश्यक एमिनो एसिड, जिसमें से 9 आवश्यक एमिनो एसिड मोरिंगा यानी सहजन में पाया जाता है, या यूँ कहें कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के एवं मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम आदि खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जानते हैं सहजन के गुणों के बारे में। आयुर्वेद मतानुसार सहजन के औषधीय गुणधर्म एवं प्रयोग। सहजन प्रकृति में उष्ण वीर यानी कि गर्म और रस में तीक्ष्ण कटु होता है। यह मधुर, हल्का, कफ और वात का नाश करने वाला, अग्निवर्धक, रुचिकर, वीर्यवर्धक, शोथ, कृमिनाशक, आमदोष, आमवात, संधिवात, यकृत दोष, गुल्म, पक्षाघात, उदर रोग, नाड़ी की दुर्बलता, अपच, मेदो रोग, मोटापे की समस्या आदि प्रमुख रोगों में बहुत उपयोगी है। सहजन के कुछ विशिष्ट प्रयोग। गठिया रोग। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, गठिया या संधिवात, आमवात, सूजन आदि की समस्या से परेशान हैं, वे लोग सहजन के बीजों का तेल मालिश करने से गठिया दर्द, सूजन में लाभ होता है। और जो लोग सिर दर्द, अधकपारी, माइग्रेन आदि की समस्या से ग्रसित हैं, वे लोग सहजन के पत्तियों को पीसकर सिर पर लेप लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। नपुंसकता। सहजन का फूल और फल पुरुषों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह पुरुषों में शुक्र दोष को दूर कर शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने और वीर्य को गाढ़ा बनाने में मदद करता है। इसके लिए सहजन के 10 फूलों को 1 गिलास या 250 ml दूध में पकाकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से पुरुषार्थ बढ़ता है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। गुर्दे की पथरी। जो लोग पथरी की समस्या से परेशान हैं, वे लोग सहजन के जड़ का काढ़ा बनाकर 20 ml दिन में 2 से 3 बार प्रयोग करें। इसके प्रयोग से पथरी जल्द ही गलकर निकल जाती है। त्वचा रोग। जो लोग दांत, खाद, खुजली आदि की समस्या से परेशान हैं, वे लोग सहजन के जड़ की छाल को थोड़े से पानी में पीसकर लेप लगाने से दांत में लाभ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।